बुलिया पर शनिवार की दोपहर 3 लुटेरों ने एक सराफा व्यापारी पर चाकू से जानलेवा हमला कर जेवरात सहित वाहन लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। ये खबर सबसे पहले वीकेबी न्यूज ने ही आप तक पहुंचाई थी। हालांकि अब इस मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बड़ी ही चतुराई और बहादुरी के साथ कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर ही इस लूट की गुत्थी को सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में घटना में लिप्त सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलम सोसाइटी गणेशपेट निवासी जख्मी व्यापारी केतन बटुक भाई कामदार पायल ज्वेलर्स नामक दुकान चलाते हैं। व्यापारियों से थोक में जेवरात बनवाने का काम लेते हैं। शनिवार की दोपहर केतन ने कुछ दुकानदारों से सोने के जेवरात लिए। सबसे आखिरी में 3:30 बजे के दौरान कमाल चौक के समीप स्थित गुरुदेव ज्वेलर्स में पहुंचे। वहां से भी कुछ जेवरात लिए। अपने दुपहिया वाहन क्रमांक MH49BF8802 पर पाचपावली पुलिया से गांधीबाग की ओर जा रहे थे। पुलिया के ऊपर ही 3 आरोपियों ने उन्हें रोका और आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर वाहन सहित जेवरात लूट लिए। गाड़ी की डिक्की में 500 ग्राम सोना और 3 किलो चांदी रखी थी। आरोपियों ने कुछ देर बाद पाचपावली परिसर में केतन का वाहन छोड़ दिया और जेवर लेकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लाखों की लूट की घटना से गांधीबाग पुलिस भी सकते में आ गई। CP अमितेश कुमार ने किसी भी तरह आरोपियों को ढूंढ निकालने के निर्देश दिए। DCP क्राइम चीन में पंडित और Zone 3 के गजानन राजमाने के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने काम शुरू किया। परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। इससे साफ हो गया कि आरोपी कमाल चौक से ही केतन का पीछा कर रहे थे। इस प्रकरण को पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में बिट्टू समसेरिया और अन्य 5 का समावेश है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। एक रोड पे एक ज्वेलर शॉप पे इस प्रकार की रॉबरी होनी, उसके बाद हमें चैलेंज था कि इसको इमीडिएटली आरोपी निष्पन्न करके अरेस्ट करना और मुद्देमाल रिकवर करना। मैं ये पूरे घटनाक्रम को परसों जब ये इंसिडेंट हमें सामने आया था तब से मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। कल जब हमें क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा ये सूचना मिली कि वो कामटी एरिया में देखे गए हैं और वो सेम जिस टू व्हीलर से उन्होंने घटना को अंजाम दिया था उसी पे वो 3 लोग घूम रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था कि उनको रंगे हाथ पकड़ा जाए। बिकॉज अगर वो शहर से बाहर जाते तो फिर रिकवरी वगैरह के भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसलिए हमारी जो भी यंत्रणा थी पूरी तरीके से काम पे लगाई गई और जो स्टाफ मोबिलाइज हुआ, आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आरोपी तो ये 2 बीट मार्शल्स ने पकड़ा, परंतु पूर्ण कामटी में जब ये अरेस्ट होने के बाद जब हम आढ़ावा ले रहे थे तो करीब 450 से 450 पुलिस अधिकारी कर्मचारी कामटी एरिया में सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। ये हमारा एक रिस्पांस टाइम का भी एक प्रत्यक्ष डेमोन्स्ट्रेशन और प्रत्यक्ष हमारी वो एक एक्सपेरिमेंट थी कि हमारे कितनी फास्ट मोबिलाइजेशन होती है और पूरे कामटी शहर में से ये आरोपी को ढूंढ निकालने में हमें सफलता मिली। ये लोगों को मोटिवेट रिवॉर्ड एक बहुत ही टोकन एक वो होता है, एक मोटिवेट करने के लिए लोगों को और एक उनको एक इंकरेजमेंट के लिए ये एक अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट बहुत ज़्यादा महत्व का नहीं है, वो एक अच्छे कामगिरी और आगे और भी अधिकारी जोश से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ज़्यादा जोश से काम करेंगे, ऐसे हमारी पूरी विश्वास। इस मामले में खोजबीन के दरमियान पुलिस ने 2 लाख रुपए का पुरस्कार जाहिर किया था, जिसके चलते जिन लोगों ने इस कार्रवाई में बड़ी ही बखूबी से कार्य किया उन लोगों में कुल 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया। वही पुलिस ने आरोपियों से करीब 500 से 600 ग्राम सोना जब्त किया। पाचपावली पुलिस, क्राइम ब्रांच पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और COC समेत शहर के सभी पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई ये कार्रवाई सचमुच सराहनीय रही। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।